हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हम देख रहे हैं द जिम। चलो देखे जिम। हमें तो जिम नाम से इतनी आलस आ जाती है भैया। आप तो कोलोराडो में जाते थे जिम, यहाँ तो मेरा जिम नहीं, यहाँ का। पे जो है नॉर्मली क्या है कि इस बार ठंड हुई है, हाँ अभी तो बड़ी स्नो हुई हुई है 10 दिन के लिए लंदन में। ठंड हुई है, हाँ स्कूल बंद हो गए 3 दिन के लिए, स्नो सोचो। पड़ गई यहाँ टेक्सास हाँ में। मजा ही आ ये कमाल की बात थी, गया। जब से मैं आई हूँ, तब जहां से पे कभी स्नो नहीं ज़्यादा होती स्नो थी होने वहां लगी है, स्नो पहले नहीं। नहीं होती थी जब मैं यहाँ। वापस मैं कहीं और चली जाऊंगी ना, फिर यहाँ राइट, बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम मैं लेके स्नो आई की हूँ, नहीं है, क्वांटिटी ऑफ स्नो तो बहुत कम बहुत थी। कम थी प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पे। कोई वो ऐसा इवेंट हो जो किसी स्टेट में जो कभी लोग होता यूज्ड टू नहीं नहीं है, है। तो इस वजह से मैं तो वही हैरान थी। यहाँ पर जो स्नो गिरती है वो ना के बराबर है। ना वहां के पे बराबर है, कोलोराडो में अगर ये स्नो होगी ना, सब लोग तो आराम से जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। राइट। और यहाँ पे इतना हाई तोबा टाइप हाँ, मचा हुआ वही था कि सब क्यों बंद में बाहर देखा। मैंने नहीं, कहा ये इसके उसका रीजन ये है कि यहाँ पर क्योंकि स्टेट में लोगों को आदत नहीं है लगा रहे। स्नो की, हाँ तो प्रिपरेशन नहीं है। प्रिपरेशन कुछ नहीं है मतलब सड़कों के आप लिए, सड़कों उसे के ऊपर कोई हटाने सैंड के नहीं लिए गिरे, कोई शॉर्ट नहीं गिरे, उनके वो पास। पिघलती नहीं है, हाँ आइस बन जाती है, तो उससे उनके अल्टीमेटली पास जब स्नो लोग रिमूवर भी नहीं होंगे नहीं वो है सब। इतने ज़्यादा, तो हाँ अल्टीमेटली जो जा रहा है वो वो स्किड पूरे हो रहा आइस है, में जा रहा है। और वो अब आइस में स्किड हो जाएगा रहा तो है। गिरेगा, भटकेगा, प्रॉब्लम तो आनी है। उनको और चलाने जहाँ की भी आदत नहीं है, और जहाँ पे कोलोराडो में तो आदत है। स्नो आती रहती है वहाँ पे पहले से ही प्लाव जो है जाते हैं और सैंड और पूरा सॉल्ट गिरते हैं स्नो आने से पहले ही, जिससे बिल्कुल। सब कुछ बढ़िया हो जाए। तो यहाँ पे तो इतनी इसलिए प्रेपरेशंस ना, नहीं है इसलिए लोग यहाँ पे जिम नहीं जाते हैं, बिल्कुल, इसका ये स्नो से ये, हम इसलिए हम नहीं जाते हैं यहाँ ठंड रहती है पर। इसलिए ये जाते नहीं बहाने है। सुन लो हमारे, कोई सर पैर था बहाने और क्वालिटी ऑफ का। जिम भी यहाँ इतनी अच्छी नहीं है जितनी कोलोराडो में वो थी। तो है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क एकदम धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। अभी हम लोग आए हैं, टाइटल तो पढ़ ही ले आप लोग, की जिम में आए हैं। जिम यहाँ एक पे जिम ऐसा है। जगह होता है जी, जहाँ की जो हमारा नौजवान है वो मेहनत करके अपने शरीर का एकदम आकार बदल देता है, नस नस फाड़ देता है, ऐसी जगह होती है जिम। तो हम आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं कि क्या किस तरह से होता है। तो आइए चलिए, ये देखिए, आइए हमारे साथ। बहुत पतला दरवाजा बनाया है जी, ताकि मोटे जाए नहीं, तो कैसे मोटो नहीं खुलेगा जाने यार। अंदर। अरे ये लेटरिंग है, बेकार चीज है। ये दरवाजा है यहाँ पे, आइए हमारे साथ, ये तो बड़ा है। आइए। ये देखिए, यही यहाँ पे जिम है जो वर्कआउट लोग कर रहे हैं। तो हेलो, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जिम है तो मतलब यहाँ आने के लिए बॉडी बना हुआ चाहिए या फिर मतलब कोई भी कर सकता है? नहीं नहीं सर, कोई भी आ सकता है, आप भी आ फिर सकते तुम हैं, कभी भी नहीं हम भी आ जाने। सकते हैं ना। एकदम मन तो बहुत करता है यार जिम हम करने का, लेकिन पता है ये नियति नहीं होता है, एकदम नियति नहीं करता है करने का। और अभी हार्ट अटैक भी आ रहा है जो जिम हम कर रहा था, तो सब गड़मारी सब आप लोग कीजिए। ओ हम अच्छा, खाली जैसे यहाँ पे सुनने में आ रिपोर्ट रहे ना वपोर्ट लोग जो बनाने कम आए, दिखाने आए एक्सरसाइज। ताकि किस तरह से जिम में काम होता है। तो जैसे बताइए कि जैसे जिम है तो कितना कैपेसिटी है यहाँ पे? अभी तो सर यहाँ पे 50 लोगों की कैपेसिटी है। 50 लोगों की। तो और एडमिशन कितना लिया है? एडमिशन सर लास्ट मंथ बहुत ज्यादा हो गए थे, करीब 3,000 कुछ। जनवरी में ना? जी अच्छा, वो जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता है आदमी, उनकी वेट उठ कम कर लेंगे वो, वही ज्यादा लोग ना। आते हैं ना तो अच्छा, ये सब ग्रेजुएशन। रेजोल्यूशन लेने के बाद, एडमिशन लेने के बाद आता है रेगुलर? हाँ सर, आ जाता है हफ्ते भर तक मतलब हफ्ते भर तक आता है, फिर अपना हमारा इधर उधर गायब है ना। ये सब बहुत बढ़िया है। तो यही सब पता है, यही सब हम रेजुलेशन साला लेवल नहीं करते हैं, पता है नहीं होगा तो काला लेना। आइए हमारे बात है, साथ मैं तो आगे, करने की कोशिश इनको तो दिखाइए, करूंगा। कोची कर रहा है जी, बड़ा ही विचित्र वर्कआउट है। हेलो भाई साहब, आप किस चीज का वर्कआउट कर रहे हैं? चेस्ट कर रहे हैं, चेस्ट। विचित्र है, चेस्ट तो नहीं लग रहा है, विचित्र कुछ क्या और बन रहा है जी। विचित्र अरे ये ट्रेनर नहीं है जी, कौन है? भैया हमें तो पता ही अरे नहीं ट्रेनर है यहाँ विचित्र है। जी हाँ, मैं ट्रेनर। आपको तो खुद यहाँ ट्रेनिंग का जरूरी लग रहा है, ऐसा बॉडी लेकर ट्रेनर रहता है? कोई और है यहाँ पे भैया? स्क्रिप्टेड है सारा। महेंद्र भैया बुलाओ उनको, स्क्रिप्टेड है। ये देखिए महेंद्र भैया के लड़का इधर कुछ कर रहा है, उधर देखिए लड़की के ट्रेनिंग दे रहा है। यही है, यही ये हमारे तो लग जीवन की रहा है सच्चाई है, घोर स्क्रिप्टेड कलयुग है मेरे भाई। मैंने लड़का कुछ बना ले कोई ध्यान नहीं है, थोड़ा सा इधर इधर भी ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है ये, कौन सा एक्सरसाइज है? ओ अच्छा, ऐसे हाँ ये करना दबा था। के मारो हाँ हम ऐसे छाती पे करते बैठ हैं। जाके, बहुत बढ़िया। अरे हाँ इसी तरह मसल्स से तो है एक्सरसाइज उसके करो। लड़के के, देखो तो पतला है क्या पर नाम है उसके आपका? मसल्स दिख रहे मेरा नाम हैं। महेंद्र मोगा है। महेंद्र मोगा जी, तो आप ट्रेनर हैं यहाँ पे? उसके तो हाँ, हैं। मैंने 4 साल ट्रेनिंग भी दिखाई है और मतलब कोर्स भी किया है न्यूट्रिशन का। अच्छा, न्यूट्रिशन का कोर्स किया, मतलब तो किसी तो का भी सब्जी बॉडी का वॉडी लग बना रहा है। दीजिएगा? हाँ, किसी की भी बने। तो मैंने बताया कि जैसे हम बॉडी बनाना चाह रहे हैं तो कितना टाइम लग जाएगा? 7 से 8 महीने लग जाएंगे। 7 से 8 महीने डाइट लेनी पड़ेगी, 7 से 8 महीने लग जाएंगे।
रसगुल्ला ही सब नहीं खा सकते हैं? नहीं प्रॉपर डाइट ना देखना पड़ेगा। तो कोई ऐसा प्लान नहीं जिसमें दो चार दिन या एक आध हफ्ता में बन जाए? एक महीना मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा, फिर तो ना होगा हमसे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए आप ट्रेन कीजिए। तो इस तरह की चीज है, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट से देखिए बॉडी बनाई जा सकती है। हम लोग अभी आगे भी चलेंगे और आगे लोगों से बात करेंगे। लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है। ये देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति बड़े मुरझाल सा लग रहा है जी, क्या हुआ जी, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो? कोशिश तो कर रहे हैं, पार्टनर नहीं आया, हमारा सपोर्ट की जरूरत रहती है। पार्टनर मतलब सब काम पार्टनर के साथ करोगे? कोची सब सपोर्ट का जरूरी है, नहीं आया ना तो सपोर्ट चाहिए होता है थोड़ा। कोची कह रहा है जी सपोर्ट और पार्टनर ये सब कोची होता है? ज्यादा वेट उठता है उसकी। क्या होता है? ज्यादा वेट उठा लेते हैं आप उसकी वजह से। किसकी वजह से? सपोर्टर की वजह से। मतलब सपोर्टर जो पार्टनर है वो रहता है, मतलब कोई भी ज्यादा वेट उठा लेगा? हम भी कर सकते हैं क्या? ट्राई कीजिए। तो एक देखिए जैसे इन्होंने बताया है कि जो जैसे वेट है उन्हें कोई सपोर्ट दे देगा तो ज्यादा वेट उठा सकते हैं, आपके मसल पे ज्यादा भार पड़ेगा ना जी, एकदम बम से करके ग्रो हो जाएगा मसल। तो हम लोग आपको लाइव दिखाते हैं कि किस तरह से वर्कआउट होता है जी। कभी किसी ने माइक धरो जी, बरमुंडा हां फटाफट भागो, तुमसे नहीं होगा, आप कर लेंगे। इतना पतलू सा वेट में नहीं कर सकते? मैं तो नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है। कर तो लिया, कितना है ये? कुछ भी नहीं उठाना ना। बहुत जितना गाँव में सपोर्ट है पार्टनर लगा कर रखा है। हमको लगता था यार तुम महुआ के दारू पिए जाता है रोज शाम को। बहुत बढ़िया बना भाई जी, एकदम मजा आ गया देख के। वेरी नाइस माइंडिंग, वेरी नाइस, एकदम बहुत बढ़िया। गाने फाड़ देंगे जी, साला जिम नहीं जाता है। देखो हमारे कैमरा मैन का बॉडी बढ़िया है तुमसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जाओ, अभी हम लोग चलेंगे ऊपर। ऊपर भी है ना? वो तो गई, ठीक है ठीक है, हम लोग ऊपर अभी चल के देखेंगे। महेंद्र मोगा नहीं, महेंद्र मऊगा है। देखो खाली यही काम है, खाली लड़की के साथ ट्रेनिंग करेगा, लड़कन पूछो करे, यही सब करता रहता है जी। तो चलिए अभी थोड़ा सा चल के हम लोग ऊपर देखेंगे। आओ जी पर मुंडा ऊपर, हम लोग चल के देखेंगे ऊपर ना। तो ऊपर हम लोग चल के देखेंगे ऊपर भी वर्कआउट होता है, किस तरह से लोग कर रहा है। आओ पर मुंडा आओ मेरे साथ, यहाँ पे चलते हैं। बड़ा अंधेरा किया है सारा, कौची है जी, लाइट नहीं है। आइए छत है, ये देखिए ऊपर भी यहाँ पे बनाया गया है जी, जो कि लोग वर्कआउट यहाँ पे करता है। ओहो देखिए वर्कआउट कर रहा है यहाँ पे, आइए। हाँ इसी की देखिए यहाँ पे डंबल उठा रहा है, ये भारी उरी है जी, देखे। ये देखिए जैसे डंबल है तो इसको जो वर्कआउट के लिए आदमी यूज करता है अपने उसके लिए बाइसेप के लिए, ये ज्यादा भारी नहीं, थोड़ा सा भारी लगे उसको। अरे कुछ हो गया जी, देखो उसको, देखो इधर देखो, देखो कुछ चोट लग गया जी, पैर पे गिरा दिया भैया। अरे देख के ना खड़ा होना चाहिए, ले उसको थोड़ा सा बोरो प्लस लगाओ, ठीक हो जाएगा। बोरो प्लस का भी बहुत यूज है जी, है यहाँ पे देखिए देखिए इनको, यही वर्कआउट हो रहा है जी। रील बना रहा हूं। जी रील बन रही है ये मैडम, आप रील बना रही हैं? तो ये कहां डालिएगा रील को? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे डालिएगा? कितना फॉलोअर है? 1.2 मिलियन है, इतना तो सब मेरा नहीं है। 1.2 और आता है जी, अपने के नहीं हो रहा है। ओह समझ गए, बढ़िया करते रहो सर, वर्कआउट तो करना नहीं है तुम साले, यही तो मौका वाला काम नहीं करता है। अब इधर भी है जी, आइए देखते हैं, इधर भी है कुछ बुरा हाल है, कपड़े तो सारे टेढ़े मेढ़े हुए हैं, नहीं है बन रहा है। अरे इधर देखो दो लोग है, कुछ ले रहा है, इधर कुछ कर रहा है जी, वैक्सीन ले रहा था का, ये सब हॉस्पिटल में ना लेना चाहिए। दिखाओ दिखाओ कुछ है, कोविशील्ड कोवैक्सीन कुछ है, ये वैक्सीन ले रहा है, देखिए सब हॉस्पिटल में ना लेना चाहिए। स्टेरॉइड्स, इनको नया वैक्सीन आया ना, ये बढ़िया से लेवल करो नर्स के हाथ है। चलो ठीक है ले लो, कोरोना से बचल रहेगा। देखिए इस तरह की जो चीजें हैं यहाँ पे जिम में, क्या हुआ गड़बड़ कैसे होती है? कौन
कुछ ले रहा है? That steroid they are taking is not good for the body. It's for muscles. Not good. Not good. कुछ ले रहा है? ना ये सब कुछ ले रहा है जी? देखो कुछ है ये साला steroid लड़ो देखो भगा से साला जी मैं body करके बनाना चाहिए जी। देखो बहनचोद कैसा बॉडी बनाते हैं। This is not good. You don't have to do it. अरे बॉडी बनेगा ना? It has an effect, not a charm. कब बॉडी बनाते हैं? रुको दिखाते हैं। अब पेटवा कम हो जाएगा। वाह यार क्या देखा है हमने, क्या देखा है। क्रिटिक कर रहे हैं वो, अगर ध्यान से देखें तो क्रिटिक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं किस टाइप के लोग जिम में। बिल्कुल सच है कि कैसे भैया लोग जाते हैं, मतलब न्यू ईयर के टाइम रेजोल्यूशन सारी दुनिया लगा रही थी, ले लेती है भैया मेंबरशिप, और वो मेरे को तो लगा था शायद एक महीना करते होंगे, और तो कहते हैं हफ्ते के लिए आते हैं, और उनको भी पता है दुकान वालों को जिम वालों को कि ये सीजन ये टाइम हाई होता है, तब ये रेट भी हाई कर देते हैं। वही कह रहे थे रेट तो बढ़ा देते हैं, वही कह रहे हैं कि जिसको करना है करेगा, वेट कर रहा है, पार्टनर आएगा, पार्टनर शाबाशी देगा, फिर थोड़ा ज्यादा तमाशे ज्यादा, एक्सरसाइज कम है, चोचले बाजी ज्यादा, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के आया है, कोई रील बना रहा है, कोई वहाँ पे अपने वो आसान काम कर रहा है, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, यही सब हो रहा है। हाँ, कई लोग करते हैं ना बॉडी बनाने की, बट ये एक क्रिटिक है जिनको बॉडी बनाने से बन जाता है, और वो भी इन्होंने अच्छा बताया था कि 7 महीने में बन जाएगी बॉडी अगर आप स्ट्रिक्ट मतलब फॉलो करो तो, right. आपको 7 महीने में आप अपनी बॉडी, और न्यूट्रिशन का ये भी यहाँ पर भी वो चक्कर है कि जो भी जिम का कराता है वो दिखाता है कि न्यूट्रिशन की डिग्री हमारे पास है। अब मुझे पता नहीं इंडिया में डिग्री मिलती कि नहीं मिलती, मगर यहाँ पर लोगों के पास बैचलर्स डिग्रीज भी हैं न्यूट्रिशन में। ये भी मेरे ख्याल से जो जिम के इंस्ट्रक्टर था उसने यही तो कहा था कि मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ और मेरे पास न्यूट्रिशन का कुछ है, ये पता नहीं बैचलर्स डिग्री है नहीं, मगर बैचलर्स डिग्री यहाँ पे जब आप जाते हैं जिम वालों के पास जो बोलते हैं हम कोच हैं, वो दिखाता है कि मेरे पास डिग्री है न्यूट्रिशन की और मैं तुम्हारा ये करता हूँ, इतना मेरा पैकेज है, मैं तुम्हें ऐसे बना दूँगा कर दूंगा। उसमें उसे पता होता है कि जो बंदा आ रहा है वो छोड़ के चले जाएगा अल्टीमेटली, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर कॉम्पनी तुम छोड़ गए तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट जो सीरियस होते हैं उनको वाकई हमने देखा सीरियस लोगों को अल्टीमेटली उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिनमें डेडिकेशन है, डेडिकेशन थी और काफी मेहनत का काम होता है। कईयों में देखा था बाल्टी उठा के बोला था बाल्टी उठा के जा रहा है ये नहीं, करने को तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने घर में अगर आपको डेडिकेशन है तो आप बिना जिम गए भी घर में भी कर सकते हो या बाहर अपना खुद ही कर सकते हो बिना ऐसे पैसे खर्च किए, वो तो डेडिकेशन है। ये तो आजकल शुआशाही हो गया कि बस जिम जा रहे हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए, पर ये भी है कि थोड़े वहाँ पे जो है मशीनें भी मिलती हैं आपको करने के लिए, वेरी नाइस, वो तो मजेदार था, कई सीन तो बड़े मजेदार थे। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही चल, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।